तो दोस्तों एवेंजर्स 4 से पहले कैप्टन मार्वल मूवी आने वाली है और इसके चलते सारे फैंस के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि क्या कैप्टन मार्वल थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैप्टन मार्वल की पावर हल्क और थॉर के बराबर हो सकती है, लेकिन क्या वो एमसीयू के थैनोस को हरा सकती है? क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हल्क थैनोस से भिड़ा था थॉर के शिप पे, तो थैनोस ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था और कहा यह जा रहा है कि कैप्टन मार्वल की फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क के बराबर है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल ब्लैक विडो के बराबर है। इसके साथ ही कैप्टन मार्वल के पास है फ्लाइट एनर्जी अब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी एनर्जी को बचा के वो फिजिकल स्ट्रेंथ में बना सकती है, यानी अगर वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेती है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और साथ ही उसके पास है कॉस्मिक पावर जिससे वो फ्यूचर देख सकती है, और सिक्स सेंस से बढ़कर भी एक सेंस है जिसका नाम है सेवन सेंस। साथ ही वो अपने हाथों से एनर्जी बीम छोड़ सकती है जो कि एक साइड इफेक्ट है एनर्जी अब्जॉर्प्शन का, लेकिन बाद में वो उसकी एबिलिटी बन जाती है। जैसा कि हम सबने देखा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में भी थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था, और एवेंजर्स 4 में भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट उसके पास होगा लेकिन थोड़े डैमेज हालत में, क्योंकि स्नैप बाद वो काफ़ी डैमेज हो चुका था जिससे थैनोस को भी चोट पहुंची थी। तो अब देखा जाए कि इन्फिनिटी स्टोन साथ होते हुए भी क्या कैप्टन मार्वल थैनोस को हरा सकती है, क्योंकि अभी कैप्टन मार्वल अकेली है लेकिन बाद में वो एवेंजर्स के साथ यूनाइट होगी, तो उसके पास एक मौका होगा थैनोस को हराने का। लेकिन एक इंटरव्यू में केविन फैगी ने कंफर्म कर दिया था कि कैप्टन मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, यानी वो हेला, डोरमामू, थॉर और थैनोस से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन केविन फैगी ने ये कंफर्म नहीं किया था कि थैनोस से स्ट्रांग तो है वो, लेकिन अगर थैनोस प्लस इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक साथ हो तब भी क्या कैप्टन मार्वल थैनोस को ओवर पावर कर सकती है? ये क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है किसी के माइंड में। तो अब बात आती है थैनोस से भिड़ने की। तो अगर थैनोस बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट को होगा तो कैप्टन मार्वल अकेले उसको हरा सकती है, लेकिन बात रही थैनोस प्लस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की, तो कैप्टन मार्वल को एवेंजर्स का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा थैनोस को हराने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन मार्वल अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बींग है एमसीयू की, तो वो है सुपरमैन वर्जन मार्वल का। अब देखिए क्या होता है जब कैप्टन मार्वल और थैनोस आमने सामने बढ़ते हैं, ये तो दिखाई देगा हमें सीधे एवेंजर्स 4 में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।